दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने पेपर हाउस नाम की एक ऑस्ट्रियन फैंटेसी हॉरर मूवी देखी है जो कि 1988 में रिलीज हुई थी और इसे बर्नार्ड रोज ने डायरेक्ट किया है। IMDb पे पेपर हाउस को मिले हैं 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 100% फ्रेश। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर पेपर हाउस मूवी को एक्सप्लेन करते हुए इससे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड थियरीज पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी के ओपनिंग सीन में हम मूवी की मेन लीड एना मैडन से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जो कि अपने क्लास के दौरान अपनी स्केच बुक में एक हाउस ड्रॉ कर रही थी। ये काफी सिंपल बट अ बिट आउट ऑफ प्रोपोर्शन हाउस था और एना इसे बनाने में पूरी तरह खोई हुई थी। एना की टीचर एना की डेस्क पर आकर उसे क्लास टेस्ट का रिजल्ट देती है, जिसमें एना ने अच्छा परफॉर्म किया था। टीचर के आगे जाने के बाद एना के सामने वाली स्टूडेंट शैरन उसकी स्केचबुक उठा लेती है एंड एना इस पर गुस्सा होकर उसे गिरा देती है। टीचर एना के इस बिहेवियर पर उसे क्लास से बाहर निकाल देती हैं। क्लास से बाहर जाने के बाद भी एना फेसेस वगैरह बनाकर स्टूडेंट्स को हंसा रही थी ताकि क्लास डिस्टर्ब होती रहे। इसके बाद हम एना को शैरन की तरफ घूरते हुए देखते हैं। एना नॉक करके टीचर के सामने बहाना बनाती है कि वो अनईजी फील कर रही है और इसीलिए वो घर जाना चाहती है। एना टीचर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे जाने दिया जाए क्योंकि आज उसका बर्थडे भी था। इसके बाद स्ट्रेंजली एना सच में फेंट कर जाती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक रिमोट एरिया में आता है जहां एना एक फील्ड में उठती है। एना उस फील्ड में अपने सामने थोड़ी ही दूर पर एक घर देखती है। अब इससे पहले एना भागकर उस घर के पास पहुंच पाती, उसकी आंखें खुल जाती है, यानी कि एना फेंट होने के बाद कोई ड्रीम देख रही थी और जब उसे होश आता है तो उस वक्त क्लास के सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स उसे घेर कर खड़े थे। टीचर एना को मेडिकल रूम भेज देती है और थोड़ी देर बाद एना की मदर केट यहाँ आ जाती है। केट एना को उसके डैड का लेटर दिखाती है जो कि उन्होंने एना के लिए भेजा था ऑन हर बर्थडे। दरअसल एना के डैड एंड मॉम स्प्लिट हो चुके थे एंड एना की कस्टडी उसकी मॉम को मिली हुई थी। वेल, ये लेटर देखकर एना काफी खुश होती है एंड केट उसे बताती है कि एना के लिए उन्होंने एक सरप्राइज भी प्लान किया है। नाउ घर जाते वक्त एना अपने राइडिंग लेसन के बारे में पूछती है, जिस पर केट रिप्लाइज कि पहले उन्हें डॉक्टर निकोल के पास जाना होगा, जिसके बाद ही एना राइडिंग लेसन के लिए जा पाएगी। एना इस बात से गुस्सा हो जाती है और वो केट को बताती है कि उसने स्कूल में फेंट होने का नाटक किया था और उसकी बस आंख लग गई थी। केट ये सुनकर एना से काफी डिसअपॉइंटेड होती है और उसे वापस स्कूल ड्रॉप कर देती है। ऑब्वियसली एना को वापस स्कूल जाने में काफी एम्बेरस्ड फील हो रहा था, इसलिए वो स्कूल के अंदर एंटर ही नहीं करती। एना पास ही छुपकर अपनी फ्रेंड कैरन को आवाज लगाती है और यहाँ से कैरन और एना स्कूल बंक करने का डिसाइड करते हैं। कैरन और एना भागकर ओल्ड स्टेशन के पास बैठ जाते हैं, जहाँ कैरन अपनी एज के हिसाब से बड़ा बिहेव करने की कोशिश कर रही थी। कैरन एना को अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में बताने लगती है और एना उसकी बातों से बोर हो रही थी, इसीलिए वो कैरन को हाइड एंड सीक खेलने के लिए मना लेती है। कैरन काउंट करने लगती है और एना जाकर एक टनल में छिप जाती है। यहाँ एना को एक बार फिर से डिजीनेस फील होता है और वो दोबारा फेंट हो जाती है। एना फिर उसी ड्रीम में पहुंच जाती है जहां वो अपने आप को उसी फील्ड में देखती है, जहां दूर दूर तक कुछ नहीं था और उस फील्ड के बीचों बीच वो घर था। यहाँ हम उस घर को फॉर द फर्स्ट टाइम क्लियरली देख पाते हैं एंड द सरप्राइजिंग पार्ट वॉज दैट कि ये घर हूबहू वैसा ही था जैसा एना उस दिन अपनी स्केच बुक में ड्रॉ कर रही थी। इस बार एना उस घर तक पहुंच जाती है और उसका दरवाजा नॉक करती है, लेकिन उस घर के अंदर कोई नहीं था। एना उस घर की एक विंडो के थ्रू अंदर देखने की कोशिश करती है और सीन शिफ्ट होकर कुछ पुलिस ऑफिसर्स पे आता है जो कि एना को खोज रहे थे, क्योंकि अब तक रात हो चुकी थी और एना का कहीं अता पता नहीं था। वेल, पुलिस एना को ढूंढ लेती है और एना को होश आ जाता है, जिसके बाद वो लोग एना को उसके घर ले जाते हैं। केट एना को देखकर काफी घबराई हुई दिखती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ था, बट एना उन्हें सिंपली बताती है कि खेलते वक्त उसे नींद आ गई थी और वो सो गई थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर निकोल यहाँ आ जाती है, जो कि एना को चेक करने के बाद कहती है कि एना को बस थोड़े दिन की आराम की जरूरत है। ये सुनकर एना गुस्सा होती है, लेकिन एना की मम्मी उसे बताती है कि निकोल का एक बच्चा पेशेंट कम्प्लीटली बेड रिडन है, तो एना को इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद डॉक्टर निकोल केट के साथ एना के रूम से बाहर चली जाती है और एना अपनी उस स्केच बुक में एक सैड लड़के को विंडो के पास ड्रॉ करती है। एना सो जाती है और फिर से वो उसी ड्रीम में पहुंच जाती है और यहाँ वो उसी सैड लड़के को देखती है जो कि विंडो पर बैठा हुआ था। एना उसे नीचे आकर दरवाजा खोलने के लिए कहती है, जिस पर वो लड़का एना को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है और वो बताता है कि वो नीचे नहीं आ सकता क्योंकि इस घर में कोई स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियाँ नहीं है।
वेलेस पर एना उसे पूछती है कि वो वहाँ ऊपर कैसे गया, जिस पर ही रिप्लाइज कि आई डोंट नो। वो एना को बताता है कि उसके अलावा यहाँ और कोई नहीं है, जिसके बाद वो अपनी विंडो बंद कर लेता है। एना की आँख खुलती है और वो समझ जाती है कि वो जो जो ड्रॉ कर रही थी ठीक वही उसके सपने में क्रिएट हो रहा था। इसीलिए एना अपनी स्केचबुक में उस घर के अंदर स्टेयर्स, कुछ रूम्स और डोर्स वगैरह ड्रॉ करती है। इसके बाद वो सो जाती है और इस बार वो सपने में उस घर के अंदर चली जाती है। एना उस लड़के के रूम में पहुंच जाती है जहां वो लड़का उसे खिड़की पर बैठा हुआ दिखता है। वो लड़का एना को देखकर यहां से चले जाने के लिए कहता है, बट एना उसे समझाती है कि उसने ही ये सब ड्रॉ किया है और वो उस लड़के को अपने साथ चलने के लिए कहती है ताकि वो उसे घर के बाकी रूम्स दिखा सके। वो लड़का एना को बताता है कि वो चल फिर नहीं सकता। फिर वो अपना नाम मार्क बताता है और वो एना से उसका नाम पूछता है। इतने में ही बाहर बिजली कड़कने की आवाज से एना की आंख खुल जाती है। एना केट को ढूंढते हुए नीचे जाती है जहां केट कुछ ओल्ड फोटोग्राफ्स को डेवलप कर रही थी। केट एना को बताती है कि ये फोटोज उसके डैड की है जो लास्ट समर की है। एना केट को बताती है कि उसे कोई अजीब ड्रीम्स आ रहे हैं जिसे केट सिंपली नाइटमेयर समझकर इग्नोर कर देती है। एना के डैड की फोटो को केट ट्रे में रखती है जो कि धीरे धीरे डार्क हो जाती है और एना इस फोटो को देखते देखते फिर बेहोश होने लगती है। केट एना को उसके रूम में ले जाती है और एना मार्क के लिए उस स्केच वाले घर में सभी तरह की खाने पीने की चीज़ें बना देती है और बाकी सामान भी ड्रॉ करती है। घर के बाहर वो एक लाइट हाउस भी ड्रॉ करती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर निकोल एना को चेक करने आती है और एना उन्हें बताती है कि उसने उनसे लास्ट टाइम झूठ कहा था और वो ऐसे कई बार पहले भी फेंट हो चुकी है। इसके बाद एना डॉक्टर निकोल को उनके किसी दूसरे पेशेंट के बारे में पूछती है जिन्हें निकोल ट्रीट कर रही थी। निकोल उसे बताती है कि उनका कोई पेशेंट मार्क किसी डिजीज की वजह से चल नहीं सकता और इसीलिए उसे मोस्ट ऑफ द टाइम बेड में ही रहना होता है। एना निकोल की बात सुनकर रिज्यूम करती है कि उसके ड्रीम में वो जिस मार्क से मिली थी वो निकोल का पेशेंट ही था। निकोल के जाने के बाद एना अपनी स्केचबुक में मार्क के लिए पैड बनाती है एंड देन ड्रीम में वापस जाकर वो उस घर में एंटर करती है। यहाँ एना देखती है कि जो पैर उसने स्केचबुक में बनाए थे वो यहाँ स्टेयर्स पे पड़े हुए थे और वो रियल भी नहीं थे, दे वर जस्ट स्टैचू जो कि देखते देखते चूर हो जाते हैं। वेल, एना मार्क के रूम में जाती है जहां वो सब सामान रखा हुआ था जिसे उसने लास्ट टाइम मार्क के लिए बनाया था। एना मार्क को बताती है कि उसकी और मार्क की डॉक्टर सेम है, डॉक्टर निकोल, बट मार्क एना को बताता है कि वो किसी निकोल को नहीं जानता। इसके अलावा निकोल ये भी बोलता है कि वो हमेशा यहीं रहता है। एना मार्क को चीयर करने के लिए गार्डन से फ्रूट ले जाती है। पेड़ पे चढ़ते वक्त एना गिर जाती है, इस पे मार्क हंस देता है जिससे एना मार्क को स्टुपिड कहती है, जिस पे मार्क उदास हो जाता है और कहता है कि एक लड़का था जिसके पास एक नीली बाइक थी बट वो उसे चला नहीं सकता था, वो एक दिन उसे चलाएगा और बस यही बात उसके लिए मायने रखती है। वेल, मार्क ये बोलकर काफी उदास हो जाता है, जिस पर एना मार्क से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों हो। मार्क रिप्लाइज कि मैंने कुछ बुरा किया था और वो एना को बताता है कि उसे लगता है कि एना ने भी कुछ बुरा किया है जिसकी वजह से उसे यहाँ आना पड़ता है। एना उससे कहती है कि उसने कुछ बुरा नहीं किया है और वो इस बात को ये कहकर टाल देती है कि ये बस एक सपना है। नाउ एना को एक आइडिया आता है, वो मार्क को बताती है कि अगर उसके डैड यहाँ होते तो वो मार्क को कैरी करके यहाँ से ले जाते, और इसी के साथ एना की आँख खुल जाती है। एना तुरंत ही अपने डैड की इमेज को देखकर स्केचबुक में बनाती है जो कि समहाउ थोड़ा स्केरी बन जाता है और एना उसे रब करने की कोशिश करती है बट वो रब नहीं होता। एना केट को वो ड्राइंग दिखाकर पूछती है कि उसके डैड कैसे दिख रहे हैं, जिस पर केट रिप्लाइज कि वो गुस्से में दिख रहे हैं। एंड देन यहाँ एना को याद आता है कि उसके डैड जब घर में रहा करते थे तब वो ड्रिंक करके हमेशा केट से झगड़ते थे। वेल, ये सब सोचकर एना अपने डैड को इस ड्राइंग से हटाने का डिसाइड करती है बट वो इरेज नहीं होते और इस बात से इरिटेट होकर एना उस ड्राइंग को क्रश करके अपने डस्टबिन के पास फेंक देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग निकोल एना के रूटीन चेकअप के लिए आती है और यहाँ हम देखते हैं कि निकोल कुछ परेशान नजर आ रही थी। एना निकोल से कुछ क्वेश्चंस करती है जिनका जवाब निकोल रूडली देती है। केट के पूछने पर निकोल उसे बताती है कि उसका दूसरा पेशेंट मार्क लास्ट नाइट क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गया था और निकोल को उसकी काफी चिंता थी जिस वजह से उसका माइंड काफी डिस्टर्ब हो गया था। वेल, एना उन दोनों की बातें सुन लेती है और तभी वो अपनी ड्रॉइंग ढूंढने लगती है बिकॉज वो मार्क से मिलना चाहती थी। एना को याद आता है कि उसने लास्ट नाइट उस ड्राइंग को क्रश करके फेंक दिया था और नीचे ही डंप वैन आई हुई थी। एना डंप वैन की तरफ भागती है और केट भी उसके पीछे जाती है। एना केट से जिद करके डंप वैन रुकवा देती है और वो लोग हर एक बिन बैग को खोलकर उस ड्राइंग के लिए चेक करते हैं एंड फाइनली एना को वो ड्राइंग मिल जाती है जो कि बुरी तरह क्रश्ड और खराब हो चुकी थी। केट एना को उसके रूम में ले जाकर सुला देती है और इसके बाद एना अपने ड्रीम में जाती है जहां उस हाउस की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी क्योंकि एना ने उस ड्राइंग को क्रम्बल करके ट्रैश में फेंका था।
यहाँ एना मार्क से मिलकर उसे बताती है कि मार्क रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है और डॉक्टर निकोल का पेशेंट है। बट मार्क इस बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसे पहले का कुछ भी याद नहीं था। थोड़ी देर बाद एना को विंडो से अपने डैड पास ही खड़े दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो खुश हो जाती है। बट मार्क उन्हें देखकर डर रहा था और वो एना को बार बार उन्हें यहाँ बुलाने से मना करता है। एना मार्क की नहीं सुनती और उसे समझाती है कि वो उनकी हेल्प करने यहाँ आए हैं। वेल, एना मेन डोर पर जाकर अपने डैड को आवाज़ लगाती है, तभी वो नोटिस करती है कि उनके हाथ में एक एक्स यानी कुल्हाड़ी थी और वो काफ़ी गुस्से में एना का नाम पुकार रहे थे। एना इस बात से काफ़ी डर जाती है और वो मेन डोर को ब्लॉक करके मार्क को यहाँ से पास ही एक लाइट हाउस में ले जाने का प्लान बनाती है। वो दोनों साइकिल की हेल्प से वहाँ तक जाने का डिसाइड करते हैं, बट एना ने जो साइकिल ड्रॉ करी थी वो ठीक नहीं थी और इतने में ही एना के डैड विंडो से अंदर आ जाते हैं और साइकिल को तोड़ देते हैं। इस पॉइंट पे एना की आँख खुल जाती है और उसके पास ही केट बैठी हुई थी, जो एना की हालत देखकर काफ़ी परेशान थी। एना पसीने में भीगी हुई थी और वो केट से एक ही बात बोले जा रही थी कि हेल्प हिम, और इतने में ही एना की सांस अटक जाती है और एना वापस ड्रीम में पहुंच जाती है। एना को मार्क घर में कहीं नहीं दिखता और उसके डैड तभी उसके सामने आ जाते हैं। एना उनसे बचने के लिए भागती है और मार्क, जो कि पासी के एक रूम में छिपा हुआ था, वो एना को अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ मार्क एना को एक आइडिया देता है कि अगर वो अपनी ड्राइंग के उस हिस्से को ड्राइंग से कट करके अलग कर दे जिसमें उसने अपने डैड को ड्रॉ किया था, तो शायद वो यहाँ से गायब हो जाएंगे। एना फ्लोर पर लेट जाती है और अपने हाथ से उस ड्राइंग को खोजती है। रियल वर्ल्ड में भी उसका हाथ मूव करता है और वो उस ड्राइंग को उठा लेती है और अपने डैड वाले पोर्शन को फाड़ देती है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में उसकी स्केच में पास ही रखी कैंडल से आग लग जाती है, जिससे ड्रीम में उस घर के आसपास आग लग जाती है। एना और मार्क घर से बाहर लाइट हाउस की तरफ भागते हैं, लेकिन एना के डैड अभी तक जिंदा थे और वो एना को पकड़ लेते हैं और उसे जान से मारने लगते हैं। वो एना के चेस्ट पर लगातार अटैक करते हैं, जिससे रियल वर्ल्ड में भी एना को काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा था। मार्क किसी तरह एना के डैड को गिरा देता है और सामने ही एक फायर पिट में गिरकर उनकी डेथ हो जाती है। एना और मार्क किसी तरह लाइट हाउस की तरफ चलते हैं और यहाँ से एना की आँख एक हॉस्पिटल में खुलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लास्ट नाइट एना की कंडीशन काफ़ी बिगड़ गई थी और इसीलिए एना के डैड उससे मिलने आए थे। वेल, डॉक्टर निकोल एना को चेक करने आती है और यहाँ एना निकोल से मार्क के बारे में कुछ बातें करते हुए निकोल को बताती है कि मार्क को वो जानती है और मार्क की ब्लू आइज़ हैं और वो चल फिर भी नहीं सकता है। निकोल एना की तरफ देखती है और एना उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी ड्राइंग बुक उसे लाकर दे। वेल, नेक्स्ट सीन में केट और एना के डैड उसकी ड्राइंग बुक उसके पास लेकर आ जाते हैं और एना ड्रॉ करना स्टार्ट कर देती है। अपनी इस ड्राइंग में एना मार्क के लिए उस लाइट हाउस के अंदर का सारा सामान बनाती है और वो लाइट हाउस के बाहर एक पेंसिल भी ड्रॉ कर देती है। सोने के बाद एना लाइट हाउस में जाती है, जहां मार्क उससे मिलता है। अब मार्क चल फिर सकता था और वो दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद एना मार्क को बताती है कि उसने जो पेंसिल लाइट हाउस के बाहर ड्रॉ की थी, मार्क उसकी मदद से यहाँ से बाहर जा सकता है और रियल वर्ल्ड में आ सकता है। मार्क ये सुनकर खुश होता है और वो लाइट हाउस के ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और एना को अब वो ड्रीम्स भी आना बंद हो गए थे। एना के डैड और मॉम ने डिसाइड किया कि वो लोग अब एक साथ रहेंगे और उन लोगों ने एना के लिए एक हॉलीडे भी डिसाइड किया था। एना के डैड एना के पास आते हैं और वो अपनी पहले की गलतियों के लिए उसे सॉरी बोलते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि डॉक्टर निकोल ने उनसे कहा था कि वो उसे बता दे कि उनका पेशेंट मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा। एना को ये बात काफ़ी सैड कर जाती है, बट समहा वो इसे एक बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश करती है। एना अपने पेरेंट्स के साथ हॉलीडे पर जाती है और वहाँ होटल की विंडो से एना को वो लाइट हाउस दिखाई देता है, जो कि उसने उस ड्रीम में देखा था। एना सीधा उस लाइट हाउस की तरफ भागती है और यहाँ आकर वो लाइट हाउस का डोर नॉक करती है, बट कोई रिप्लाई ना मिलने पर वो उसी डोर के आगे बैठ जाती है। एना को सामने स्टोन के नीचे एक नोट मिलता है, जो कि मार्क ने उसके लिए छोड़ा था। इस नोट में मार्क ने लिखा था कि मुझे तुम्हारे बिना जाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारा इंतजार किया, पर तुम नहीं आई। मैं फिर आऊँगा इसी क्लिफ के पास, मेरा इंतजार करना, लव, मार्क। वेल, इसके बाद एना क्लिफ के एज के पास खड़ी ही थी कि तभी उसे अपने ऊपर एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है और मार्क की आवाज़ आती है कि ग्रैब द लैडर, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से एक लैडर नीचे आती है। एना उसे ग्रैब करने के चक्कर में क्लिफ के एज के कुछ ज़्यादा ही करीब जा रही थी, जिससे मार्क परेशान होकर उसे वहाँ से दूर हटने के लिए कहता है, बट एना लैडर की तरफ जंप करने लगती है। इतने में ही केट वहाँ आकर एना को बचा लेती है। एना केट को देखकर बताती है कि मार्क बिल्कुल ठीक है और वो काफ़ी खुश होती है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी पेपर हाउस मूवी की कहानी, एंड आई नो कि अभी आप सभी कन्फ्यूज्ड फील कर रहे होंगे। डोंट वरी, अब हम और आप मिलकर इस मूवी से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी डिटेल्स पे बातें करेंगे।
तो सबसे पहले तो आई नो कि ये मूवी काफी सरियल और समटाइम्स काफी कॉम्प्लेक्स नजर आती है, एंड एज एन ऑडियंस हमारे मन में कई सारे क्वेश्चन स्ट्राइक करते हैं, लाइक एना के साथ क्या हो रहा था, वो जो ड्रॉ कर रही थी वो ड्रीम वर्ल्ड में कैसे एग्जिस्ट कर रहा था और कैसे सब कुछ उसके मुताबिक चेंज हो रहा था। मूवी का एंड एकदम से हैप्पी एंडिंग कैसे हो जाता है और मार्क सच में मरा था या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी की बहुत सारी थियरीज है और उन सबको कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि शायद इस मूवी की काफी मिक्स रिव्यू है, जहां कुछ लोग इसे एक मास्टरपीस मानते हैं वहीं कुछ लोग इसे अच्छा नहीं मानते। दरअसल इस मूवी में इतने सारे मेटाफर्स या आसान भाषा में सिंबल्स का यूज हुआ है कि जितनी ये सिंपल दिखाई देती है उतनी ही डार्क एंड रियल ये मूवी है। यहां मैं मूवी की स्टोरी को लेकर दो मेन थियरीज को डिस्कस करूंगा जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है। पहली थियरी के हिसाब से एना को एक डिजीज हो जाती है जिसके बाद वो नियर डेथ एक्सपीरियंस करती है। एना की एस्ट्रल बॉडी एक बार उस जगह चली जाती है जहां मार्क काफी समय से रह रहा था। नाउ आपको वो सीन याद होगा जब निकोल एना को बताती है कि मार्क को हर समय बेड पर रहना पड़ता है। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि मार्क कोमा में था या फिर ब्रेन डेड था, एंड इस कंडीशन में उसकी एस्ट्रल बॉडी ने उसकी रियल बॉडी को लीव कर दिया था और वो यहाँ आकर खो गया था, जहाँ एना उसकी हेल्प करने बार बार आ जाती थी। एना जो ड्रॉ किया करती थी वो उस जगह कैसे आता था, इस बात को ये थियरी एक्सप्लेन नहीं करती। बट वो सीन जहाँ एना के डैड उसे बताते हैं कि मार्क मर चुका है, एंड लास्ट सीन में मार्क हेलीकॉप्टर से इसी जगह को छोड़कर चले जाना, इस चीज को सिंबलाइज करता है कि फाइनली उसकी सोल फ्री हो गई थी। अब सेकेंड थियरी, जिसे पर्सनली आई फाइंड लॉजिकल, उसके हिसाब से मार्क और वो ड्रीम हाउस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ था ही नहीं। दरअसल एना के पेरेंट्स अच्छे पेरेंट्स नहीं थे, स्पेशली हर डैड, जो कि एना की मदर को काफी बुरा ट्रीट करते थे और वो काफी ड्रिंक भी किया करते थे। एना के बचपन का एक बड़ा हिस्सा खराब पेरेंटिंग में बीता था और इस सबसे उसके माइंड और बिहेवियर पर बुरा असर पड़ा था। एना सोशली ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाती थी और वो दूसरे बच्चों के साथ भी बुरा बिहेव करती थी। एना अपनी ही एक इमेजिनरी दुनिया बनाने लग गई थी जहां उसके मूड और थॉट्स के हिसाब से सब कुछ होता था। जब एना फर्स्ट टाइम डॉक्टर निकोल से मार्क के बारे में सुनती है, तब वो अपनी इमेजिनरी दुनिया में एक मार्क क्रिएट कर लेती है। इनफैक्ट पेपर हाउस के आसपास का मौसम भी एना के मूड पर ही डिपेंड करता था। फॉर एग्जाम्पल, जब वो खुश होती थी तब वहां एक ब्राइट डे होता था और जब वो डिप्रेस्ड होती थी तब ग्लूमी एंड डार्क। पेपर हाउस का हर कैरेक्टर रियल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड था, बट उसकी स्टोरी एना अपने आप से क्रिएट करती थी। फॉर एग्जाम्पल, एना के डैड, जिनकी इमेज उनके मन में काफी डार्क और बुरी थी, पेपर हाउस में वो एक साइको किलर की तरह आते हैं। मूवी का वो सीन जहां एना के डैड पेपर हाउस में उस पर अटैक करते हैं, कहीं ना कहीं उन सब मेमोरीज की वजह से था जो एना ने उन्हें अपनी मदर केट के साथ वॉयलेंस करते हुए देखा था। धीरे धीरे एना की सपनों की दुनिया में उसकी डिप्रेस्ड मेंटालिटी हावी पड़ने लगती है और वो हिम्मत हारने लग जाती है। जब एना ने निकोल को मार्क के बारे में बातें बताना स्टार्ट किया था, तब कहीं ना कहीं निकोल समझ गई थी कि एना की अपनी ही इमेजिनरी दुनिया है और वो एना को खुश रखने के लिए उसकी हामी भरती है। निकोल को जब केट से पता चलता है कि एना अपने सपने में अपने डैड को एक मॉन्स्टर के रूप में देखती है, तब निकोल समझ जाती है कि एना के डैड को वापस आना होगा और एना को बचाने के लिए उसके पेरेंट्स को एक साथ मिलकर रहना होगा। जब एना को वो ड्रीम्स आना बंद हो जाते हैं, तब उसके पेरेंट्स और डॉक्टर निकोल डिसाइड करते हैं कि वो मार्क के इमेजिनरी कैरेक्टर को मार देंगे, बट होटल की खिड़की से सेम लाइट हाउस को देखकर एना मार्क को फिर से इमेजिन करना स्टार्ट कर देती है। अब एंडिंग से रिलेटेड एक और थ्योरी ये है कि जब एना को लास्ट डे वो स्ट्रोक आया था जिसके बाद उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा था, तब अपने आखिरी दिनों में उसने इमेजिन किया कि उसके पेरेंट्स एक साथ आ गए हैं और असल में एना अच्छे दिनों के सपने देखते देखते ही मर गई थी। सो देयर कैन बी टू एंडिंग्स, या तो वो मर गई या फिर वो जिंदा है। जिंदा है तो सब कुछ ठीक हो गया है, मर गई तो वो बस सोच रही है कि सब कुछ ठीक हो गया है। वेल, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मूवी को किस कैटेगरी में रखा जाए। I mean, ये सुनकर हॉरर तो बिल्कुल भी नहीं लगता। इस पर कई बार चेंजेस हुए। कुछ लोगों के हिसाब से ये एक सिंपल हॉरर मूवी थी, तो कुछ लोगों के हिसाब से ये एक फैंटेसी मूवी जो कि बच्चों के लिए बनी थी, तो वहीं एक बड़ा हिस्सा इसे एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर के रूप में देखता है। फाइनली इसे एक हॉरर फैंटेसी मूवी कहा गया, एंड आज भी इस मूवी ने अपने क्रिटिक्स के बीच एक खास जगह बनाई हुई है, क्योंकि कुछ लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और कुछ लोग इसे हेट करते हैं। सो ये थी मूवी पेपर हाउस की एक्सप्लेनेशन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे अमेजिंग वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।